आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ। the question is which of the following is considered the greatest problem associated with the use of pesticides? The speed with which they kill pest organism modern pesticides are more dangerous to use, development of genetic resistance in pest organism they increase costs for farmers, making it more difficult for them to make a living. So, four options diye gaye hai. option is the greatest problem. को शो करेगा रिप्रेजेंट करेगा जो कि एसोसिएटेड होगी विद द पेस्टिसाइड्स अब पेस्टिसाइड्स होते क्या हैं सबसे पहले ये देख लेते हैं तो पेस्टिसाइड्स हमारे सब्सटेंसेस होंगे या मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस होंगे ऑफ केमिकल एंड बायो केमिकल और बायोलॉजिकल ओरिजिन जो कि यूज किए जाते हैं बाय ह्यूमन सोसाइटी किस लिए यूज किए जाते है? हैं टू रिबेल इंसेक्ट्स या मोस्टेंट टू रिबेल पेस्ट पेस्ट के अंदर आ जाएंगे हमारे एज बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स ओके okay, माइट्स और हमारे यहाँ पर रोडेंट्स इंक्लूड हो जाएंगे मतलब हम उन सभी ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर लेंगे जो कि हमारी क्रॉप की इल्ड को अफेक्ट करते हैं ओके okay, हमारे प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं तो इनकी अगेंस्ट ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये यूज किए जाते हैं तो इनके बहुत सारे बेनिफिट हैं there are benefits to the uh, use of pesticides but बहुत सारी problems भी हैं जो कि इनके use के साथ associated हैं कौन-कौन से problem हैं they do not always stay in the location where they are applied तो जिस location पर इनको apply किया गया है ये हमेशा उसी location पर नहीं रहते हैं they are mobile वो mobile हैं in the environment और food air और soil के through ये move कर सकते हैं okay तो इस तरह से ये हमारे वाटर को या एयर को या हमारे इन्वायमेंट को पोल्यूट कर सकती हैं। एक तो ये प्रॉब्लम हो गई है ओके तो ये ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करेंगी दैट अफेक्ट फूड प्रोडक्शन और ह्यूमन हेल्थ अगर पेस्टिसाइड्स का हम ज्यादा यूज करेंगे मतलब बहुत ज्यादा अगर एक्सेसिव इनका यूज करते हैं तो ये क्रॉप्स का जो एडिबल पार्ट है वहां पर रह जाती है और जब हम उनको कंज्यूम करेंगे कंज्यूम कर लेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगी और ये हमारी बॉडी को या ह्यूमन हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकती है तो एक और मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है दे नोट ब्रेक डाउन इन द इनवायरमेंट दे डू नॉट ब्रेक डाउन इन द इन्वायरमेंट बट रिमेन टॉक्सिक टू फिश अगर ये वाटर के अंदर एंटर कर गई तो ये फिशेस के लिए टॉक्सिक है अगर ह्यूमन के अंदरबोलाइज तो तो मतलब नहीं होती हैं और धीरे धीरे क्या होगा जिन पेस्ट के लिए जिन इंसेक्ट्स के लिए हम इनको यूज करते हैं तो वो इंसेक्ट जो है वो इनके लिए रेसिस्टेंस भी शो करने लग जाते हैं मतलब अब वो जो है इंसेक्ट जो है वो इस पेस्टिसाइड के लिए रेसिस्टेंट हो गए हैं अब ये जो पेस्टिसाइड है ये उन पर वर्क नहीं करेगी तो ये भी हमारी एक ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम है कि जिन पेस्ट के लिए जिन ऑर्गेनिज्म के लिए हम इनका यूज करते हैं वो इसके लिए रेसिस्टेंट हो जाते हैं दिया गया है स्पीड स्पीड तो के साथ कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है मॉडर्न पेस्टिसाइड ज्यादा डेंजरस होंगी डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक रेसिस्टेंट इन पेस्ट ऑर्गेनिज्म तो सबसे ज्यादा जो बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर गिवन ऑप्शंस में वो है थर्ड कि जो पेस्ट ऑर्गेनिज्म है वो इसके लिए जेनेटिकली रेसिस्टेंस हो जाते हैं रेसिस्टेंट शो करने लग जाते हैं तो अब ये पेस्टिसाइड इन पर वर्क नहीं करेगी या फिर दिया गया है कि कॉस्ट को इंक्रीज करते हैं मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट फॉर देम टू मेक अ लिविंग ये भी सही है कॉस्ट कॉस्ट तो कॉस्ट तो हो ही, इनकी तो होगी इनकी कुछ तो फर्क पड़ेगा ही फार्मर्स पर लेकिन जो ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम है यहाँ पर वो है ऑप्शन नंबर थर्ड क्लास सिक्स से लेकर नीट आई आई, आई टी जी मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर